हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो भाई, मेरे फोन के अंदर क्या माल पानी छुपा हुआ है उसके बारे में आज आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। वैसे ऐसा कुछ गलत नहीं छुपा हुआ है, आप लोगों के सामने सब कुछ पता चल जाएगा। तो जो भी लोग सोच रहे थे यार कि हम लोग क्या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो भाई हम भी वही यूज़ करते हैं जो कि आप लोग यूज़ करते हैं और इससे कुछ अलग नहीं करते। तो लेकिन आप में से काफ़ी लोगों को दिलचस्पी हो सकती है कि हम लोग अपना सेटअप कि मैं कैसा बना के रखता हूँ, क्या है उसके अंदर वॉलपेपर, क्या है उसके अंदर थीम और क्या है तगड़ी तगड़ी और चीज़ें। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं और आप लोगों को थोड़ा बताते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ और कौन सी एप्लीकेशन आप लोगों के लिए सही हो सकती है अगर आप कुछ ऐसा काम करते जैसा मैं करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो अभी मैं दो स्मार्टफोन इस टाइम पर यूज़ कर रहा हूँ वो है एक तो आईफोन टेनस मैक्स और एक वन प्लस 70। और ये दोनों ही स्मार्टफोन यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। मुझे पता है इन दोनों के अपडेटेड वर्जन अवेलेबल हैं, जैसे 70 प्रो इसके लिए आ चुका है और हमारे आईफोन के लिए 11 प्रो मैक्स अवेलेबल है, बट इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो देखो अभी जो है हम लोग लाइक स्टार्ट करते हैं अपने वन प्लस 70 से, क्योंकि यार एंड्रॉयड मुझे पता है काफ़ी लोगों को ज़्यादा पसंदीदा रहता है। तो इसके अंदर चेक करते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन क्या यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली यार ये मेरा सेकेंडरी फोन है और इसके अंदर मैं ऐसे प्राइमरी अपनी सिम नहीं डालता, प्राइमरी मेरी आईफोन के अंदर है। इसके अंदर लाइक सेकेंडरी मैं से यूज़ करता हूँ लाइक सर्फिंग के लिए, ट्विटर के लिए। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप लोग इसमें नोटिस करते हो तो इसके अंदर जो वॉलपेपर मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ वो है बैकड्रॉप्स की तरफ से, और ये बैकड्रॉप वाले ही वॉलपेपर ऐसे वाले देते हैं मिनिमलिस्टिक टाइप। मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो के अंदर कहाँ से बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर लो, तो वाली एप्लीकेशन आप लोग चेक कर लेना, उसके अंदर मैंने दिखाया था। तो ये उसके वहीं से लिया हुआ, बैकड्रॉप से लिया हुआ है। एंड साइज से अगर आप देखते हो तो इसके अंदर आपको सबसे बढ़िया चीज़ जो मिलती है वो ये है कि इसके अंदर जो स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील आती है ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। तो इसलिए मेरे को फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं इसको ज़्यादातर इसलिए यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है मेरे इस लाइक फ़ोन के अंदर वो है गैलरी। तो गैलरी के अंदर जाए फोटोज वोटो जो भी मैं खींचता हूँ इससे वो वाली पड़ी हुई है। एंड साइज अमेजोन से मैं बहुत सारी शॉपिंग करता हूँ, तो भाई अमेजोन से लाइक प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक प्लांट्स हो गए या फिर कुछ चीज़ें हो गई छोटी मोटी जरूरत पड़ जाती, लाइट्स हो गई, स्टैंड हो गया, कुछ भी जैसे घर का भी कुछ खत्म वतम हो रहा था मैं वहीं से मंगवा लेता हूँ, और इसलिए अमेजोन में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। साइज यहाँ पे ट्विटर है, ट्विटर पे यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पसंद है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अपडेट मिलता रहता है काफ़ी ज़्यादा कंपनीज की तरफ से, क्या फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं, क्या होने वाला है और क्या बेसिकली चल रहा है और क्या खिचड़ी पक रही है काफ़ी लोगों के बीच में, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सीज का भी आजकल ट्विटर एक अड्डा बन चुका है। तो वहाँ किसी को भी अगर आप लोगों को दुश्मनी जाहिर करनी हो तो हैशटैग ये हैशटैग वो बहुत मजा आता है मुझे पढ़ने में। बाकी साथ साथ जब कीप नोट्स हैं, सो गाइस कीप नोट्स मेरा सबसे ज़्यादा जब काम आता है जब मैं अपने मेन बिजनेस में बैठा होता और मेरे को जब आइडिया आता है तो मैं वहाँ पे उसे रोट डाउन कर लेता हूँ, मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है उधर। एंड साथ साथ पेटीएम भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि भाई ट्रांजेक्शन सही रहती है उससे। और साथ साथ गूगल क्रोम हो गया, जीमेल हो गई, और ये पॉडकास्ट मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके अंदर लाइक इसके अंदर काफ़ी सारे पॉडकास्ट मैं सुनता हूँ, जैसे इम्पॉल्सिव हो गया और लोग MQBHD का भी एक पॉडकास्ट है वेव फॉर्म, वो भी सुन लेता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें कर लेता हूँ। बाकी मैसेजेस यूट्यूब वीडियो को अपना फलाना ढिमकाना इसमें जो नॉर्मल है, बाकी एप्लीकेशन तो और भी बहुत सारी पड़ी हुई है। एक्चुअली क्या ये 250 GB वाला मॉडल है, तो 250 GB मतलब बहुत ज़्यादा लगती है सुनने में, तो इसलिए मैंने सारी एप्लीकेशन जो मैं यूज़ भी नहीं करता वो भी रख रखी है, लेकिन क्या पता कभी काम में आ जाए जैसे कोई भी एप्लीकेशन हो गई। तो गाइस टिकटॉक मैंने इस वाले फ़ोन में रखा हुआ है, क्या पता कभी काम में आ जाए, तो इसलिए रखना पड़ जाता है। एंड सेकंड फोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है भाई ऑब्वियसली आईफोन XS मैक्स। ये भी 256 GB वाला मॉडल है और ये यार मैं बहुत ही ज़्यादा मिनिमल यूज़ करता हूँ। सबसे ज़्यादा यूज्ड फ़ोन है मेरा ये पिछले एक मंथ में, यूज फोन मैं कैसे बताऊँ, नहीं सबसे ज़्यादा कम यूज़ फ़ोन है पिछला एक मंथ में, मतलब मैंने इसको सबसे ज़्यादा कम यूज़ करा है पिछले एक मंथ में, और ये जबकि मेरा प्राइमरी फ़ोन है, मतलब प्राइमरी फ़ोन की तो मैं अच्छे से रेट लगा देता हूँ और ये फ़ोन तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, मतलब ऐसा मान लो। अब इसका मेन रीज़न ये कि यार ये जो आईफोन्स है ना इन्होंने भैया इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कुछ चीज़ें जो मन ही नहीं करता। अब जैसे व्हाट्सएप की जो मेरी यूजेज है मान लो कि 20-30% कम हो गई है। पहले मैं व्हाट्सएप पर लगा रहता था, भले ही मेरे को कुछ चैट ना भेजे लेकिन फिर भी मैं लगा रहता था, स्टेटस देखता रहता था, लेकिन अब मैं वो काम छोड़ के मैं कुछ और पढ़ रहा होता हूँ किसी के बारे में कुछ चीज़ वेबसाइट्स पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो इसलिए मेरा जो इस पर यूजेज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ एक बार बैटरी कंजप्शन के अंदर, क्योंकि ये मेरा मेन डिवाइस है वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, सफारी, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, ट्विटर और ज़ारा एंड ऐसी एप्लीकेशन। और पिछले देखो मैंने कब इसको फोन को चार्ज किया था रात में और अभी तक इसका जो बैटरी ड्रॉपेज है देखो कितना सही है। एंड गाइस सच बताओ तो लाइक जो यूट्यूब है ना इसका बैकग्राउंड में भी मेरा चलता रह जाता है कभी कभार, कुछ चीज़ें होती हैं जो चलती रह जाती हैं, और साथ साथ इंस्टाग्राम भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो ही जाता है, और सफारी में तो बहुत सारी चीज़ें सर्चेज हो गई, वेबसाइट पढ़ना तो सफारी में ही होता है वो सारा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आईफोन है उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। बाकी अगर एप्लीकेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन जो मेरी मोस्ट यूज एप्लीकेशन है मैं आप लोग दिखाता हूँ जो मैं पर्सनली और लाइक इनके अलावा करता हूँ यूज़, वो है एक तो स्पॉटिफाई।
तो स्पॉटिफाई मेरा बहुत ज्यादा यूज होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लाइक सुन लेता हूँ, और जैसे कभी मैं जिम में हूँ तो इसी में गाने चला के सुनता हूँ। एंड साथ साथ जो मेरा और एक दो चीजें जो मेन है वो ये दोनों एप्लीकेशन भी है, लाइक ज़ारा और H&M। तो इसमें लाइक क्लोथिंग के लिए मस्त मेरे को मजा आता है देखने में कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मस्त से ऐसे क्लोज आ रहे हैं नए नए। हमारे को गर्मी वाले कपड़े चाहिए तो इसलिए मैं चेकआउट करता रहता हूँ क्या नया स्टॉक आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। जीमेल मेरी काफी ज्यादा यूज ऐप है और मेरे को जीमेल भी मजा आता है। सही सर, एक जो मैंने इनका यूटिलिटीज के अंदर ये डाल दिया है, तो मैं इसके अंदर अपनी लाइक बैंकिंग एप्लीकेशन रख देता हूँ, जैसे मेरे को कोई काम करना होता है जो भी, तो उससे लाइक थोड़ा सॉर्टेड सा रहता है पूरा मामला, और मेरे को भी थोड़ा फायदा हो जाता है उससे, और आप लोगों को भी फायदा हो जाता है। तो बस यार यही थे कुछ फोन के अंदर मेरे राज छुपे हुए, जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए, और आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि कुछ और नहीं दिखाया भाई, क्या देखना चाहोगे यार। ये आप लोगों को मैंने अपना फोन की सारी दिखा दी है, अब इससे ज्यादा मैं क्या दिखाऊंगा यार। तो बस यार यही थी वीडियो, आप लोगों को पसंद आएगी। वैसे यार इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं इस हफ्ते के अंदर, तो मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो यार बस यही थी वीडियो, अगर पसंद आएगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस हफ्ते बहुत सारे फोन लॉन्चेस हुए हैं तो आप लोग को भी तगड़ा मजा आ ही रहा होगा यूट्यूब पे। तो बस ऐसे सबको प्यार देते रहो, सबको सपोर्ट करते रहो, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस बाय।